Hey guys, welcome to my channel, and if you're new here, so please do like, share and subscribe my channel. So, आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ एक न्यूड सा मेकअप विदाउट एनी ब्रश, सिर्फ अपने फिंगर्स से. तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पहले अपना फेस को क्लीन करके गुड वाइब्स का जो फेस सीरम है वो ओनली 3 drops मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी. अपने फेस में इसे अच्छी तरीके से मैं मसाज कर लूँगी. इस सीरम बहुत अच्छा है, इससे आपका एक फेस में थिकनेस भी आता है और एक ग्लॉसी लुक आपका क्रिएट करता है. पर अगर आप कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. जैसे हम लोग डेली व्लॉग के लिए मेकअप करते हैं या फिर रील्स बनाने के लिए मेकअप करते हैं, तो आप विदाउट एनी फाउंडेशन आप सिर्फ एक ग्लॉसी लुक देने के लिए ये सीरम बहुत अच्छा है. इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और अपने फिंगर से सिर्फ डैप करके आईज़ की जो रोटेट एरिया है, डार्क सर्कल्स एरिया है, मैं इसको कवर करूँगी. देखिए कंसीलर लगाने के बाद अगर हम इसे सेट नहीं करेंगे तो क्रीज पे आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कंसीलर लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे ही 1 मिनट छोड़ दिया था तो ऑलरेडी मेरी क्रीज पे लाइन ड्रॉ हो चुका था. बस अपने फिंगर्स से इसे डैप करके यूज कर रही हूँ. आप डिफरेंस देख सकते हो. सो गाइस, अब आप देखिए कि यहाँ पर क्रीज पे कैसा एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था और मैंने कोई भी फेस पाउडर यूज़ नहीं किया था. तो यहाँ पर मैं एक फेस पाउडर यूज़ करके ये जो कंसीलर है इसे सेट करूँगी. और जब भी आप इसे सेट करेंगे तो देखिए पाउडर जब भी लगाते तो ये कितना इजीली सेट हो जाता है और इसके ऊपर आपका कोई भी क्रीज लाइन नहीं होगा. न्यूट सा कलर लूँगी, पिंक शेड न्यूट सा है और इसे मैं एज अ आई शेडो आज यूज़ करने वाली हूँ. शेडो भी आज अपने फिंगर से यूज़ करूँगी क्योंकि एज यू नो गाइज, अगर आप डेली मेकअप करते हैं ऑफिस के लिए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अपने फिंगर से भी बहुत अच्छा एक न्यूट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आई शेडो बहुत लाइट आई शेडो एक यूज़ किया है और यहाँ पर जो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर्स का पैलेट है.
आई शेडो लुक क्रिएट हो चुका है। लाइनर का ट्रिक, मैं यहाँ पर दो प्रोसेस में आपका लाइनर लगाना दिखाऊंगी। पहली प्रोसेस में मैंने यहाँ पर मिडिल में ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद आउटर लाइन और इनर लाइन मैं इसको कवर करूँगी। मैं आउटर लाइन थोड़ा सा इसको बढ़ा के फिर इनर लाइन को ड्रॉ करूँगी। अब देख रहे हो, आप कोई भी मिरर यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको अपने आँखें को नीचे करके आप लाइनर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये लोटस का लाइनर है। बहुत अच्छे तरीके से इसका विंग्स क्रिएट हो जाता है। आप किसी भी लाइनर का जब ये लाइक दिस टाइप का अगर आपके पास ब्रश है तो इससे आपका विंग्स बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। यू कैन सी गाइस। सो इसके बाद मेरा जो लेबल यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसे मैं अब इक्वल करूंगी। आउटर कॉर्नर के नीचे के पार्ट में मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइनर यूज करूंगी। स्किन को पुल करके, थोड़ा सा अपर पुल करके आईब्रो के पास आप अपने लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनर पार्ट से आउटर पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आईलैशेस है उसका बराबर आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत क्लोजली आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ताकि आप भी लाइनर इजीली इसको ड्रॉ कर पाए। तो यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हो चुका है। बहुत ही प्यारा क्रिएट हुआ है। अब मैं आउटर लोअर लाइन में मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से लाइनर यूज़ कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर मस्करा यूज़ कर रही हूँ। अपर लैश लाइन में यहाँ पर मस्करा यूज़ कर रही हूँ। ये मस्करा बहुत हेवी लुक नहीं देता है, आपको मैं दिखा रही हूँ ये कैसा लुक देता है। आपका जो आईलैशेस है ये बहुत थिक नहीं करेगा पर एक कवरेज लुक आपको देगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कैसे ये लुक देता है। और ये जो मैंने मस्करा यूज़ किया है या फेशियस कनाडा का मस्करा है, ऑर्गन ऑयल इसमें है। आप इसको डेली यूज़ में आपका मस्करा मतलब आपका जो आईलैशेस है उसमें कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। सो यू कैन सी गाइस कि ये बहुत ही अच्छा एक कवरेज लुक आपको देता है। मैं फिर एक न्यूट सा लिपस्टिक यूज़ करूँगी। आप कोई भी न्यूट सा लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो।
सो मैंने यहाँ पर डेव न्यूड एक लुक क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने हाइलाइटर्स यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम ओरिजिनली बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं ऑफिस में। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा एक न्यूड लुक ये क्रिएट हुआ है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।